इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में 15,000 के नीचे के सेगमेंट में शाओमी का एक स्ट्रांग होल्ड हो चुका है। फिलहाल अभी रियलमी शाओमी को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है, पर आप देख सकते हैं कि शाओमी अपनी पकड़ बनाए हुआ है और अब रियलमी के साथ साथ वीवो भी शाओमी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हाल ही में कंपनी ने वीवो Z1 प्रो पेश किया जो कि 15,000 के प्राइस सेगमेंट में शाओमी को कड़ी चुनौती देता है और अब कंपनी एंट्री लेवल सेगमेंट में भी शाओमी को कंपटीशन देने के लिए आ चुकी है। जी हाँ, वीवो ने आज लॉन्च किया Y90 जिसकी कीमत है 6,990 रुपये और ये शाओमी Redmi 7A को चुनौती देता है। तो चलिए देखते हैं कि वीवो के इस नए स्मार्टफोन में क्या है खास। अब सबसे पहले हम डिजाइन और डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। तो क्योंकि ये एक एंट्री लेवल सेगमेंट का स्मार्टफोन है इसलिए हम इसमें कुछ खास उम्मीद तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि वीवो का ये स्मार्टफोन देखने में काफी एलिगेंट और सिंपल लगता है। देख सकते हैं कि पॉलीकार्बोनेट कंस्ट्रक्शन बना है। बैक पैनल थोड़ा सा फोटो में आप देख सकते हैं कर्व दिखाई दे रहा है, साथ साथ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर बैक पैनल पे नहीं मिलता। इसके अलावा इसमें चार्जिंग के लिए माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया है और 3.5 mm ऑडियो जैक भी आपको इस फोन में मिल जाता है। वहीं आपको बता दूं कि कंपनी ने इसे दो कलर्स में पेश किया है, एक ब्लैक है और एक गोल्डन। इसके साथ साथ अगर डिस्प्ले पे नजर डालें तो इस फोन में आपको मिलता है 6.22 इंच का HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले जिसमें आपको वाटर ड्रॉप शेप नॉच मिल जाता है। इस फोन के इंटरनल्स की अगर हम बात करें तो वीवो Y90 में आपको मिलता है मीडियाटेक का हीलियो 822 चिपसेट, 2GB की रैम, 16GB की इंटरनल स्टोरेज जिसको आप 256GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। साथ साथ इसमें दिया गया है 8MP का रियर कैमरा विद F2.0 अपर्चर और 5MP का फ्रंट कैमरा विद F1.8 अपर्चर। इसके साथ इसमें 4030mAh की बैटरी भी आपको मिल जाती है। हालांकि कमी यहां पर सिर्फ यही लगी कि इसमें एंड्रॉयड पाई नहीं है बल्कि एंड्रॉयड ओरियो दिया गया है जिस पर फन टच ओएस की लेयरिंग दी गई है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 6,990 रुपए की कीमत पर इसको लॉन्च करके वीवो ने शाओमी के Redmi 7A को एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन दिया है। पर मुझसे आप पूछेंगे कि Redmi 7A तो 5,999 रुपए का आता है, लेकिन आपको बता दूं कि वो ऑनलाइन प्राइस है। जब आप उसको ऑफलाइन कंसिडर करेंगे तो उसकी 500 रुपए कीमत बढ़ जाती है और ये फोन Y90 ऑफलाइन सेगमेंट में लॉन्च किया गया है जहां पे आप इसको देख के परख कर खरीद सकते हैं। पसंद आया तो मत लीजिए, आया तो आप कैश देके खरीद लीजिए। हालांकि कुछ कुछ कमियां हैं यहां पर जो Redmi 7A के मुकाबले आपको इस फोन को खरीदने से रोकेंगी, पर अगर आप देखेंगे तो वीवो के फोन भी काफी अच्छी क्वालिटी के साथ आते हैं, खास तौर पर सेल्फी कैमरा हमेशा ही उनका इंप्रेसिव होता है। पर एनीवे, आपकी क्या राय है वीवो के इस स्मार्टफोन को लेकर प्लीज मेरे कमेंट्स में मुझे लिख के बताइएगा और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमसे चैट करने के लिए आप इन दी गई आईडी पर जाकर जुड़ सकते हैं या फिर मेरी पर्सनल आईडीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।